हाय दिस इज राम प्रवेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ XUV 700 के रिलेटेड एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज कम। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस के अलर्ट आपको आते रहेंगे। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी एक सवाल था बहुत ही कॉमन, काफ़ी लोगों ने ऐसा पूछा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्या एसेसरी इंस्टॉल किया है और क्यों किया है। तो आइए सबसे पहले मैं सारे एसेसरीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बहुत ही मिनिमल एसेसरीज इंस्टॉल किया हूँ क्योंकि हमारा पिछले कार में बहुत सजा धजा के रखने की मेरी आदत थी और मेरा 10 साल से ऑलमोस्ट मैं सारी गाड़ी में वही सही करके रखता था, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि जब मैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फुट स्टेप मैंने इंस्टॉल किया है। स्टेप के बारे में बताऊँ कि फुट स्टेप का 22,000 के आसपास में ऑलमोस्ट मैंने लगाया था। उस टाइम पर थोड़ा कॉस्टली था और मुझे पता नहीं था M2 वॉल के बारे में और मैंने निगोशिएट भी नहीं किया तो मुझे लॉस हो गया। बट उसका फ़ायदा मुझे तब दिखा जब मैं अर्ली मॉर्निंग में एक बार ड्राइव कर रहा था। अपने वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा नींद कम आती है ना, तो कई बार मिस्टेक हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो जब तेज़ आवाज़ आई उसके बाद लगा कि मेरा आगे का पोर्शन गया, तो आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि नई कार, ये फर्स्ट टाइम एक महीने हुए थे। तो उसके बाद भी मैं घर तक सोचता आया कि शायद भगवान करे कि हमारा फुट स्टेप रोक ले। तो एग्जैक्टली वही हुआ, मैं घर आकर के सब लोग को, पेरेंट्स को छोड़ दिया घर पे, उसके बाद मैं वापस आकर के चेक किया, मैंने देखा कि इतनी तेज़ आवाज़ आई थी, पत्थर बिल्कुल था, पत्थर पे टकराया लेकिन बॉडी को कहीं टच नहीं होने दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टच हुआ था और बहुत तेज़ टच हुआ था। टच वो ये सिर्फ सिंगल ही हुआ है लेकिन ये इतना तेज़ था, इतना बड़ा पत्थर था कि जो इसने संभाल लिया, हल्का सा बेंड हुआ और उसके बाद मैं इसको चेंज कराने के लिए भी गया, बट उसने बोला कि ये लगने की चीज़ है इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये फुट स्टेप जो है, जो इसने अपने ऊपर पूरा लोड गाड़ी का ले लिया और इसने स्क्रैच तक नहीं आने दिया। तो एक ये रीज़न है जिसके कारण से मैंने फुट स्टेप लगाया इसका, जो मुझे ऐसा लगा उस दिन कि मैंने ये 20-22 हज़ार रुपये जो भी लगाए वो कहीं ना कहीं मुझे वर्थ लगा। ओके, एक तो ये रीज़न है, दूसरा चीज़ क्या है कि एस्थेटिक वाइज थोड़ा सा ये अच्छा लगता है। SUV में अगर आप देखेंगे तो अगर फुट स्टेप हटा लें तो थोड़ा सा इसका जो लुक है ना, वो लुक थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो एक इस वजह से, ऑल्दो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm का फर्क पड़ता है और ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अगर से कंपेयर किया जाए तो उसमें 5 mm का फर्क पड़ता है। तो मुझे लगा ठीक है, 5 mm वी कैन मैनेज। और इसके बाद दूसरा अगर देखेंगे तो एक्सटीरियर में मैंने क्या एसेसरीज लगाया है, ये मड फ्लैप, बस ये महिंद्रा का मड फ्लैप लगाया है। हालांकि इसमें भी स्क्रू वगैरह ढीला छोड़ा है, मैंने बोला था बट नहीं हुआ, बट देट इज़ फाइन। तो ये एक एसेसरी मैंने आउटसाइड में लगाया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर मैंने ये लगाया है, मैट लगाया है एक रबर टाइप का। यहाँ पे एक स्कपलेट आता है लगाने के लिए, उसके ऊपर महिंद्रा लिखा था इसलिए मैंने नहीं लिखा, बिकॉज रीब्रांडिंग हो रही है तो मुझे जानबूझ करके उस एग्जिस्टिंग ब्रांड को नहीं दिखाना है, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़ परसीव्ड। ओके, और इसके अलावा अंदर आप देखेंगे तो अंदर हमारा डैश कैम एक है, जो मैंने बीच में एक सस्ता भी लगाया था बट मैंने फिर वापस सेम कॉस्ट का इंपोर्ट करवा के, रशियन प्रोडक्ट है वो, मैंने डैश कैम लगवा दिया, इससे हमारी काफ़ी सेफ्टी होती है। और इसके बाद अगर मैट आपको दिखाऊं, अगर मैट में आप देखेंगे तो मैंने 3D मैट लगाया है, तो 70 भी था बट मुझे कॉस्ट इफेक्टिव भी लगा और इसका डिज़ाइन ठीक लगा, एक बकेट प्लेट टाइप का कि डस्ट उसके अंदर रह जाता है, वो निकाल करके मैं साफ़ कर देता हूँ। ये हो गया, आगे भी देखेंगे तो वही मैट है जो हमारे 3D मैट का पार्ट है, ये लगाया है। इसके अलावा मैंने डोर स्कपलेट लगाया है एल्यूमिनेटेड वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा नाइट में अच्छा लगता है, जब जलता है तो ये ठीक लगता है, बट कंपनी से ही फिट करवाया है तो इसमें वारंटी इन सब का भी कोई इशू ऐसा नहीं है। और ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये मैंने डैश कैम लगाया है सेफ्टी के लिए, ड्राइविंग सेफ्टी और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए। इसके अलावा एक और मैंने ये लग्जरी किट करके आता है वो मैंने लगाया है, ये देखिए उसके अंदर ये नेकरेस्ट आता है, उसके साथ सीट बेल्ट के अंदर लगाने का एक क्लिप आता है, इसके अंदर भी आपका मेमोरी फोम वगैरह डाला हुआ रहता है तो ये कंफर्टेबल महसूस होता है जब ये आपके छाती पे प्रेस करता है तो। ओके, और इसी के साथ आपको दो तकिया आता है, तो वो दो तकिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
तो ये दोनों भी इन पैकेज में आता है। और अगर इसके साथ साथ पीछे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक कवर लिया है, स्पोर्ट्स मॉडल का कवर लिया है। ये कवर मैं यूज करता हूँ बिकॉज यू नो जब मैंने सिरेमिक कोटिंग किया था तो उस टाइम पे लोगों ने बोला था कि आप कवर इसके ऊपर मत डालिए क्योंकि माइनर स्वेल्स आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा किया। लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ कि यू नो क्या होता है, ये सब आप स्पॉट्स देख रहे हैं तो ये जो स्पॉट्स है बेसिकली जब मक्खी बैठती है, जब साफ सुथरा गाड़ी रहता है ना तो उसके ऊपर मक्खियाँ आके बैठ करके बिट करके चली जाती है, तो उसके ड्रॉपिंग्स के वजह से मुझे कवर लगाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे तो मैंने एक एडिशनल एक चीज़ और लगवाया है, वो है डैश कैम। तो ये टू वे डैश कैम है, आगे पीछे दोनों तरफ कैम लगा रहता है, पीछे भी आप देख सकते हैं अंदर से अंदर ही सनरूफ की तरफ से वायर पास करके कैमरा लगाया हुआ है, तो आप इंटरफेस वगैरह देख सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है एक्चुअली रिमोट माउंटिंग इसके लिए, इसके अंदर ना सिम लगता है, मेमोरी कार्ड लगता है, तो रिमोटली हम कभी भी मैं देख सकता हूँ घर से भी या कहीं से भी कि गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, अगर कोई मूवमेंट हुआ गाड़ी के चारों तरफ तो वो मूवमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली वीडियो बन करके हमारे मोबाइल फ़ोन पर आ जाता है। और ये लो पावर डिवाइस है, ये प्रूवन है, ये ऐसा है जो कि मैं यूज कर रहा था पिछले 5 साल से यू नो दूसरे कार में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बीच में एक सस्ता मैंने ट्राई किया था, तो गाइस इतने सारे एसेसरीज के बाद मैंने एक्स्ट्रा कोई भी एसेसरीज नहीं लगाया, ना तो इलेक्ट्रिकल, ना तो फिर फोकस के लिए, ना तो एक्सटीरियर, ना इंटीरियर, जो भी है सो इतना ही एसेसरीज मैंने लगाया है। और इसमें से जो मैंने यू नो शोरूम के साइड पर जो मैंने पेमेंट किया था, मुझे याद है लगभग 40-45 हज़ार का एसेसरीज मैंने पे किया था वहाँ पे। और उसके अलावा जो बड़े एसेसरीज मैंने एक लगाए वो सिर्फ है डैश कैम, इसके अलावा और कोई भी एसेसरीज नहीं। ओके सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एक क्वेरी थी उसके हिसाब से मैंने सोचा ये मैं आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।